नमस्कार और आज के सुने दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं Xiaomi के 11T Pro के बारे में। जी हाँ, द हाइपर फोन जैसा उन्होंने बताया इस फोन को। और मैं आपको बताऊंगा कि भाई ये क्या फोन सच में एक हाइपर फोन है, मतलब जो प्रोज हैं क्या वो बहुत बढ़िया है, और कहाँ कहाँ पे इसमें कुछ कुछ कमियां अगर हैं तो क्या हो सकती हैं, आइए पता लगाते हैं इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं टेक की बात कैडिन टेक यानी GT हिंदी के साथ। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे ना शुरुआत करते हैं इसके डिजाइन से, एंड डिजाइन में आपको ग्लास बैक मिल जाता है। एंड एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टस का जो फ्रंट ग्लास प्रोटेक्शन है वो मिलता है, दैट इज लाइक एकदम फ्लैगशिप लेवल का ग्लास प्रोटेक्शन आपको मिल रहा है, जो कि आपको सैमसंग के फ्लैगशिप डिवाइसेस में भी देखने को मिलता है। बहुत ही कम फोन्स हैं जो गोरिल्ला ग्लास विक्टस के अभी मेन स्ट्रीम मार्केट में लेकर के आए। एनीवेज यहाँ पे इन्होंने 4D कर्व डिजाइन बोला है जो आपको फोन में मिलता है। बेसिकली क्या है कि चारों एजेस जो है वो आपको यहाँ पे कर्व मिल जाते हैं, तो एर्गोनॉमिकली मुझे लग रहा है कि इससे इतना फर्क नहीं पड़ा है, बिकॉज फोन मुझे थोड़ा सा टॉप हैवी लगा, लगभग 205 ग्राम के आसपास है, बट थोड़ा सा टॉप हैवी है। एंड सिंगल हैंडेड यूसेज अभी भी इस फोन में, इवन दो आपको चारों एचएस कर्व मिलते हैं, इट्स गुड टू होल्ड, अच्छी ग्रिप मिलती है, बट फिर भी वो डबल हैंडेड या फिर डुअल हैंडेड यूसेज के लिए ही ये फोन बना है। सिंगल हैंडेड यूसेज में आपको दिक्कत आ सकती है। और दोस्तों जो बैक पैनल है वो आपको डिफरेंट एंगल्स में डिफरेंट कलर्स प्रोजेक्ट करता है, एंड यहाँ पे एक जो मुझे लगा कि भाई जो फिंगरप्रिंट है वो यहाँ पे दिखता है, अगर यहाँ पे अगर मैट फिनिश होता जिसमें फिंगरप्रिंट नहीं दिखते तो काफी बढ़िया बात होती। प्लास्टिक फ्रेम है बट आई रियली डोंट माइंड इट, बिकॉज अगर मेटेलिक होता तो थोड़ा सा और हैवी हो जाता। इसके अलावा आपको यहाँ पे हैप्टिक्स जो है वो काफी ज्यादा सही मिलते हैं, 13 5G के बैंड्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, कोई भी एक्सटर्नल कार्ड स्लॉट यहाँ पे नहीं है, आपको 2 SIM कार्ड का स्लॉट मिल जाएगा, विच इज अ गुड थिंग। एंड ऑफकोर्स जो एक IR ब्लास्टर है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, IP रेटिंग भी है। तो जो डिजाइनिंग है दोस्तों मुझे काफी ज्यादा सही लगी। ऑफकोर्स थोड़ा सा अगर एर्गोनॉमिकली अगर थोड़ा सा और हल्का होता, लाइक 184 ग्राम्स या 175 तो बहुत कम हो जाता, 180 टू 185 ग्राम्स अगर होता तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बात होती। एनी दोस्तों अगर मैं डिस्प्ले के बारे में बात करूँ तो वो इस फोन का माइंड ब्लोइंग लगा मेरे को जेन्युइनली। तो 6.67 इंचेस का आपको यहाँ पे सुपर एमोलेड डिस्प्ले विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट एंड 480 हर्ट्ज की आपको टच सैम्पलिंग रेट मिल जाएगी। HDR 10 प्लस पैनल है, 1 बिलियन कलर्स का सपोर्ट है, 1000 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, P3 वाइट कलर गैमेट है, एंड MEMC भी है दोस्तों, जिससे आपको जो वो एकदम स्मूथ वीडियोस हैं वो आपको मिल जाएंगे। सो बेसिकली इन अ नटशेल इट इज वन ऑफ दी बेस्ट डिस्प्लेस दैट यू कैन गेट इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट में। आपको 480 हर्ट्ज की टच सैम्पलिंग रेट भी मिल जाएगी, नेटफ्लिक्स वगैरह आपको एकदम वाइड 1.11 सपोर्ट के साथ, YouTube में आपको HDR मिलेगा, कलर्स आप अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, एंड आई एम रियली ग्लैड। अच्छा देखो, पीक ब्राइटनेस थोड़ी सी और बेटर हो सकती थी, लाइक 1000 निट्स की जगह 1300 निट्स तक की हो सकती थी फॉर अ फ्लैगशिप फोन, बट नेवरदलेस इट्स वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्लेस दैट यू कैन गेट। इसके अलावा डिस्प्ले के अलावा दोस्तों मुझे इसका जो स्टीरियो स्पीकर सेटअप है वो भी काफ़ी अच्छा लगा। हार्मन कार्डन के साथ ट्यूनिंग है, इट इज नॉट लाइक कि भाई आपको एक तरफ 30% एक तरफ 60% या 70% साउंड मिल रहा, नहीं, वेल बैलेंस साउंड ओवरऑल स्टीरियो स्पीकर्स एंड क्वाइट लाउड एंड क्रिस्प, अमेजिंग थिंग। और दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं कैमरा के बारे में, तो क्या इस पर्टिकुलर फोन का कैमरा भी एकदम हाइपर फोन लेवल का है। तो सबसे पहले दोस्तों स्पेसिफिकेशंस की बात कर लेते हैं, तो बेसिकली आपको 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंड 5 मेगापिक्सल का टेली मैक्रो लेंस मिल जाता है। अब यहाँ पे दोस्तों जो सेंसर है वो इन्होंने सेम सेंसर यूज़ किया है जो इनके Redmi Note 10 Pro Max में है और भी दूसरे फोन्स में है, दैट इज़ अ GW2 सेंसर, तो वो 108 मेगापिक्सल का है। एट द सेम टाइम यहाँ पे OIS मिसिंग है, सो मेरे हिसाब से OIS विद अ 64 मेगापिक्सल लेंस जो कि और बेटर लेंस होता है, या फिर इवन द 50 मेगापिक्सल लेंस जो अभी या तो सोनी का अगर कोई लेंस होता तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा और बेटर जो हार्डवेयर कैपेबिलिटीज है, आपका सॉफ्टवेयर बहुत मैटर करता है, बट अगर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इज एज गुड एज द हार्डवेयर एंड हार्डवेयर इज एज गुड एज द सॉफ्टवेयर, तो अगर कहीं ना कहीं अगर बॉटलनेक हो जाती है तो दोनों तरफ होती है, तो अगर हार्डवेयर और बेटर होता तो ऑफकोर्स और बेटर रिजल्ट्स आते, लेकिन अभी के जो रिजल्ट्स हैं वो भी काफ़ी प्रॉमिसिंग है। तो यहाँ पे आपको HDR शॉट्स काफ़ी सही मिलते हैं, कलर्स जो है वो थोड़े से सैचुरेटेड है बट ओवरऑल इट्स प्रीटी गुड। यहाँ पे आपको इतनी ज़्यादा ओवर शार्पनिंग नहीं देखने को मिलती है, और जो अल्ट्रा वाइड सेंसर है वहाँ पे जो फिश आई इफेक्ट है वो भी इतना ज़्यादा नहीं है, HDR काफ़ी सही है अल्ट्रा वाइड लेंस में भी। अब यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ अच्छी है वो है टेली मैक्रो सेंसर, एंड यहाँ पे आपको पोर्ट्रेट मोड भी सही मिलता है,
एंड मैक्रो शॉट्स भी आपको वो 2 मेगापिक्सल के सेंसर पर रिलाई नहीं करना पड़ता, मतलब यही चीज आपके पोर्ट्रेट शॉट्स के भी हेल्प करती है और आपके मैक्रोस में। नाइट मोड यहाँ पे ठीक है, बहुत कम नॉइज है, बट और भी बेटर हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया अगर बेटर सेंसर्स होते और OIS होता। सेल्फीज यहाँ पे सही है, थोड़ा सा सॉफ्टवेयर साइड में है, एंड ब्यूटी मोड्स डिसेबल करने के बाद भी यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर साइड में मिल जाती है। रियर कैमरा यहाँ पे दोस्तों 8K फुटेजेस तक शूट कर सकता है, एंड ऑफ कोर्स 4K 60fps आपको यहाँ पे मिल जाएगा। HDR परफॉर्मेंस भी यहाँ पे सही है, बट अगेन फॉर द लैक ऑफ OIS यहाँ पे क्रॉपिंग फैक्टर थोड़ा ज्यादा है। सो बेसिकली दोस्तों द बॉटम लाइन इज द कैमरा इज गुड, इट इज रियली गुड, बट इट कुड हैव बीन बेटर फॉर द प्राइस। एंड वो हाइपर फोन वाला जो कैमरा है उसके लिए दैट OIS एंड दैट पर्टिकुलर थोड़ा सा बिगर सेंसर मिसिंग है। नेक्स्ट बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में, तो स्नैपड्रैगन 888 विद 3.1 स्टोरेज, बेंचमार्क्स आर अमेजिंग, इतना ज़्यादा हीटअप नहीं होता, गेम्स आप आराम से खेल सकते हो यहाँ पे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ऐप लॉन्च स्पीड एंड विद द 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, सुपर एमोलेड, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ लगता है, कोई हिकअप्स नहीं आए थे हमने जब यूज़ किया। एंड MIUI 12.5 एड्स टू इट, बिकॉज MIUI 12.5 में आप अपने हिसाब से बहुत सारे कस्टमाइजेशन कर सकते हो, एड्स वगैरह डिसेबल कर सकते हो, आप लोडवेयर हटा सकते हो, सो द कॉम्बो ऑफ 888। एंड देखो 888 इज एन अमेजिंग प्रोसेसर, आप उसको इट इज एज गुड एज वन कैन गेट एट दिस पर्टिकुलर प्राइस, राइट। अब मेरी बात है कि हम लोग अगर इस पर्टिकुलर प्रोसेसर को अगर घंटों गेमिंग करने के लिए आप करना है तो ऑफकोर्स थोड़ी बहुत थ्रॉटलिंग होगी, थोड़ा बहुत हीटिंग अप होगा यहाँ पे, बट अभी हमारे दिल्ली के वेदर्स इतने कम है कि हम जो आपको जून जुलाई के महीने में अगर देखो ये अगर हीटअप हुआ या थ्रॉटल हुआ तो अभी नहीं बता सकते, बिकॉज दैट्स समथिंग वी कांट रिव्यू राइट नाउ। अभी के मौसम के हिसाब से काफ़ी सही परफॉर्मेंस यहाँ पे आपको मिल जाती है। अब दोस्तों मैं अगर मौसम की बात कर ही रहा हूं तो बैटरी की बात कर लेते हैं, तो बैटरी में यहां पे आपको 120 वॉट की जो चार्जिंग स्पीड है वो मिल जाएगी, एंड अकॉर्डिंग टू द कंपनी व्हाट दे क्लेम इज आप 17 मिनट में बैटरी चार्ज कर सकते हो। अब देखो उस पर्टिकुलर क्लेम के लिए आपकी बैटरी, आपके जो एम्बियंट टेम्परेचर होना चाहिए वो बहुत कम होना चाहिए, आपका पंखा वगैरह एसी वगैरह मतलब अच्छा खासा वातावरण होना चाहिए, आपके फोन को आपको ऑफ करना है या फिर उसको फ्लाइट मोड में करना है, स्क्रीन ऑफ करना चाहिए, फला मतलब एक होते हैं ना कि भाई इस गाड़ी में आपको 16 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज मिलेगी, बट उसके नीचे लिखा हुआ होता है अंडर सूटेबल टेस्ट कंडीशन। तो जो 17 मिनट की दोस्तों जो बैटरी चार्जिंग स्पीड है वो भी अंडर सूटेबल टेस्ट कंडीशंस आपको मिलेंगी, बट ये चीज़ हमने खुद ही देखी है कि 15 मिनट में बैटरी ऑलमोस्ट 79-80% चार्ज हो जाती है, अब वो 80-100 जाती है और 10-12 मिनट लगा करके। सो माई पॉइंट इज कि 100% बैटरी चार्ज करनी है क्या? नहीं ना, 80% बैटरी आपके 15 मिनट में चार्ज हो रही है, विच इज एज गुड एज इट कैन गेट, एंड आई सपोर्ट दैट। आपने सुबह ब्रेड का पैकेट खोला, टोस्ट लगाया, बटर किया, चाय बनाई, कॉफी पी, इतने में फोन आपका 80% चार्ज है, इससे ज्यादा क्या चाहिए, राइट। सो अभी इस पर्टिकुलर फोन का कंपैरिजन, चार्जिंग कंपैरिजन, ये सब हम OnePlus 9RT के साथ भी करेंगे, जहाँ पे आपको 65 वॉट की जो चार्जिंग स्पीड है वो मिलती है। ऑफ कोर्स 0-100 होने में ऑलमोस्ट सेम टाइम लगेगा, दैट इज 30-31 मिनट्स अंडर नॉर्मल कंडीशंस, बट वहाँ पे जो फर्स्ट 15 मिनट्स में कौन कितना परसेंटेज चार्ज करेगा वो हम आपको बताएंगे। एनीवेज अगर आप हमसे बैटरी टेस्ट कंपैरिजन चाहते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड अबाउट दिस फोन आई वुड लाइक टू से दैट इट इज एज गुड एज इट गेट्स, प्राइसिंग वाइज इट्स गुड, आपको ICICI फिर अगर आप दूसरे बैंक कार्ड यूज करते हो तो आपको डिस्काउंट वगैरह भी मिल जाएंगे। ऑफकोर्स इसका हम कंपेरिजन करेंगे 9RT के साथ तो आप और बेटर एक डिसीजन ले पाए। इफ यू वॉन्ट अस टू कम्पेयर इट विद एन iPhone 12, अगर आप चाहते हैं कि हम iPhone 12 के साथ कंपेयर करें तो प्लीज उसके बारे में भी हमें जरूर बताइएगा। तो भाई वीडियो अगर पसंद आया तो थम्स अप देना, हमारे चैनल GT हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज के वीडियो के लिए अगले वीडियो में आप सभी से मिलने की आशा रखते हुए गुड बाय।